जैसे जो सादात आए हैं उनसे 700 आए हैं, उसके बाद आपने वो तबरुकात दिखाए थे ना, ये तो ना तबरुकात हो सकते हैं, तो पर कब्र बीच में बनाना तो ना आ जाइए, ये पुरानी है 200-300 साल, बाकी दूर दूर है, बाकी चलो एक मिनट जरा मैं कानूनी तौर से होगा तो रिकॉर्ड में होगा, क्योंकि सादात जितने आए हैं सादातों का एक रिकॉर्ड है शजरे नसब जिसे कहते हैं, उस शजरे से जो बाहर कहीं पे कब्र होगी उसको थोड़ी हम मानेंगे, शजरे नसब हम बता रहे हैं, आप देखते नहीं हमारे चलो बाकी जाओ डॉक्टर साहब जाओ जैसे पानस सही वो ज्यादा जाएंगे बस करो बाकी वापस कोई मसला सही अंदर है जब मैं इसरार साहब के दरगाह पे थी वहाँ से मैं निकल आई, तब मैं चेयरपर्सन वक्फ की नहीं थी, मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल से आई थी, तब आपने मुझे वहाँ पे दीदार करवाया, कहा मैंने माना, मैंने कहा चलो ठीक है आप खामोश रहे, लेकिन आज की डेट में ये मनसब मुझे दिया गया है, आज की डेट में ये कहा गया है कि हम ये देखें, और अल्लाह का करम है मैं उसी खानदान से हूँ जहाँ मुझे मालूम है कि हमारे सादात कितने आए थे, हमारा शजरे नसब कौन सा है और कौन सही है कौन गलत है, ये वक्फ का काम है, और ये इंदराज हुआ है जब सादात आए हैं उन्होंने अपना पूरा एक तरीका एक शजरे नसब, बाकियों को हम कह सकते हैं जो सही नहीं होंगे उनको हम कह सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, बट आप उस खानदान के चिराग को धोखा नहीं दे सकते, और हम आज की डेट में कोई कब्रिस्तान खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्लाम है, इस्लामन हम कोई और कब्रिस्तान खड़ा नहीं कर सकते हैं जो सादातों के बगैर होगा या उन सूफी बुजुर्गों के बगैर होगा, ये तो मस्जिद या मंदिर खड़ा नहीं करना है, ये सब प्रोन है, देखिए प्रोन की बात नहीं, इसरार साहब यहाँ पे है रहमतुल्लाह, ये तीनों के बगैर यहाँ किसी की सनद नहीं है, तबरुकात हो सकते हैं बट सनद असनाद के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं, ये सारा वक्फ का है जिसमें आपने कब्रिस्तान में मस्जिद पॉसिबल ही नहीं, आपने कैसे बनाया, हमें हाँ हमें वक्फ को फोटो प्रोन दह वरी प्रोन इंदे रोज पट सवन ज्यादा सो दा मैं वही मोबाइल नहीं पूरे अगर ऐसा तुम मशहूर हो दिखा दो ना अभी मैं अभी आया तो फिर अभी अगर
ये हमारी तमाम जमीन जिस वक्त केस लगा साहब ने जिस पर औकाफ से जो मैं बात अच्छा रसूल जिस पर केस लगा औकाफ ने हमने तमाम कागजात देख लाने हमको ना रिकॉर्ड जिस पर औकाफ खड़ा हो गया वो पूछ सकते हैं किसी औकाफ में हमने सपोर्ट किया औकाफ को हमने कागज दिए औकाफ उसी पर बना के रहा है हमारे मुझे बात करें तो मैडम से अब ये अफसर है बात करना कोई जुर्म तो नहीं आप बताइए सर तमाम रिकॉर्ड दिया हमने उसी रिकॉर्ड पर अवकाश खड़ा हो गया उसी रिकॉर्ड पर अवकाश ने जीता वो हमारे पास रिकॉर्ड था आलिम शाह साहब का भी अपना भी देख लो आपके पास कागज उसने उसी कागज से दिया आप देखो मोरे लगे हजरत पीरान की गोस्वामी की दस्तगीर जहां भी मोहर लगी उस पर लिखा है उस पर आप पढ़ सकते हैं हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं तो ये तमाम किश्तवाड़ वाले गवाह है किश्तवाड़ पूरा गवाह है तीन पीरों का हिस्ट्री है जो गवर्नर लेते हैं जो शाहिद बगदादी ने मोहर लगाई नहीं नहीं तीन पीरों के गवाह है पूरा किश्तवाड़ बीच में कौन सा पीर आ गया जनाब मैं शजरा दिखाऊंगा ये मजाक कब से बना मजाक नहीं बना ये साढ़े जब से जब से शाहिद बगदादी आए हैं पहला डेरा इधरी लगा इसको बोलते थे डेरास्ता पहला डेरा इधरी लगा उसके बाद जिस वक्त मजार तो ये इसको तो कितने साल हुए मुश्ताक बस है पता वरी गया बिल्डिंग को दो साल हो गए बिल्डिंग को दो साल हो गए पूछो आप नहीं ये तो अलग है थोड़ी होता है नाम है ना लगा सकते ऑफिसर हाईकोर्ट का डॉक्यूमेंट 175 साल पहले जो जब ये दरामत के अंडर था ये मुलाजिम से हम छिन असली के अंदर सो साजर के हाल में ये असली नहीं है सोई कागज दिखे हो या मीटिंग आज ये मैं सपोर्ट कर अवकाफस अवकाफ जान रो रहा हूँ तेरी शुरू कोई प्रश्न वही कागज हम भी है वरना हम कहाँ है नहीं सर हम हमारा जात है आप क्या नाम था उसका मोहम्मद शाह साहब अहमद शाह बनेरा है वो हमारे आबो अजदाद का पोता था और उस वो पोता छोटा था उस वक्त गुरबत थी उस पोते जो हमेशा हमारा दादा अमजद है उस वो जनाब सुनो के खड़ा